एड एंड लॉरेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वो एक बहुत बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिग। सो गाइस, एड एंड लॉरेंस के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेस वीडियो होने वाला है एक बहुत इंटरेस्टिंग सा हॉरर वीडियो, सो देखते रहिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल एब्सोल्यूट रिया। सो आज की वीडियो होने वाली है एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो, थोड़ा सा क्रीपी वीडियो आप बोल सकते हो। तो आज की कहानी होने वाली है एक इंटरेस्टिंग सी कहानी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, एक हॉरर कहानी जो बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में, और जिनको नहीं पता होगा उन लोगों को आज पता हो जाएगा। सो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, एंड ऐसे ही आप लोग हॉरर कहानी और चाहते हो तो मुझे कमेंट करना ज़रूर। सो आज की इस एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एनाबेला हॉरर डॉल, एक हॉन्टेड डॉल है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि इसकी कहानी, उसकी पूरी स्टोरी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एंड चलो अब ज़्यादा बातें ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में। उस समय एक लड़की हुआ करती थी, उसका नाम था डोना। उसे बचपन से ही डॉल के साथ खेलना, उसके साथ बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद था। बड़ी भी हो गई तभी वो डॉल के साथ खेलती थी एंड बातें भी करती थी। डोना के मम्मी ने उसके बर्थडे के दिन उसे एक एंटिक डॉल, मतलब एक पुराना डॉल गिफ्ट किया, एंड उसे देख के वो बहुत खुश हो गई एंड उसके साथ ही वो खेलने लगी। एंड डोना नर्सिंग की पढ़ाई करती थी, वो और उसका एक फ्रेंड एनजी एक ही अपार्टमेंट में रहती। लेकिन पहले ही दिन उसे लगा कि डॉल अपने आप मूव होने लगा। वो जहाँ पे उस डॉल को रखती थी वो कभी भी वहाँ पे नहीं होता था। डॉल अपने आप मूव होने लगा, लेकिन जब पहले पहले होने लगा तब डोना ने ज़्यादा ख्याल नहीं किया। उसे लगता था कि उसकी फ्रेंड एनजी उसे हटा देती थी, लेकिन वो चीज़ जब बार बार होने लगी वो डॉल अपने जगह पे कभी भी नहीं होते थी, तब एनजी एंड डोना को शक होने लगा। तो पहले पहले उन दोनों ने ज़्यादा इससे इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद जो उन लोगों के साथ हुआ, जो उन लोगों ने देखा, उसे देख के उनकी होश उड़ गए। एक दिन मेडिकल कॉलेज से वो दो लड़कियां जब अपने अपार्टमेंट में आई एंड दरवाज़ा खोला एंड देखा कि फर्श में बहुत सारी कागज़ें पड़ी हुई थी एंड उस कागज़ में खून से लिखा हुआ था हेल्प मी। यस, खून से लिखा हुआ था हेल्प मी। ये देख के उन दो लड़कियों के रोंगटे खड़ी हो गए एंड होश उड़ गए कि ये कैसे हो सकता है। एंड डॉल की मुंह में भी खून लगा हुआ था। फादर हैगन तो उनको बुलाया, एंड फादर हैगन ने उससे देखा, उसे देखते ही फादर हैगन की होश उड़ गए एंड उन्होंने बोला कि वो ये सब नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। एंड फादर हैगन ने फादर कुक को बुलाया एंड फादर कुक ने उस डॉल को पूछा कि वो क्या चाहता है। तो उसने फादर कुक को बताया कि उसके अंदर एक बच्चे का आत्मा है एंड वो सिर्फ डोना के साथ रहना चाहे क्योंकि वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है, तो वो किसी का कोई नुकसान नहीं करेगा। एंड वो एक 15 साल का बच्चा है तो वो सिर्फ डोना के साथ रहना चाहता है, उसके साथ खेलना चाहता है, उसकी सिर्फ यही ख्वाहिश है। सुन के डोना और एनजी का मन पिघल गया एंड उन दोनों ने डिसाइड किया कि
वो लोग इस डॉल को अपने साथ ही रखेंगे। यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। तो एमजी का एक दोस्त था लू, तो वो कभी कभी वहाँ आके उन लोगों के साथ रहता था, लेकिन लू कभी भी एनाबेला डॉल को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि एनाबेला डॉल से उसके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी आता है, एंड वो डोना एंड एमजी को बार बार बोलता रहता था कि वो एनाबेला डॉल को फेंक दे, लेकिन उन दोनों ने कभी उसकी बात नहीं सुनी। तो एक दिन लू सो रहा था एंड उसे फील हुआ कि उसके पैर के पास कुछ है। एंड जब वो उठ के देखा, उसके तो होश उड़ चुके थे। उसने देखा कि उसके पैर के पास एनाबेला डॉल है, एंड लू अपने हाथ पैर को हिला भी नहीं पा रहा था। वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था, उसके गले से आवाज़ गायब हो चुकी थी। एंड एनाबेला डॉल ने उसके गले को पकड़ लिया। अचानक उसकी नींद टूट गया एंड उसने उठ के देखा कि सब कुछ नॉर्मल है। एंड उसे लगा कि ये सपना है, लेकिन उसके अंदर एक डर पैदा हो चुका। लू ने इसके बाद एना एंड एनजी को सब कुछ खुल के बताया, एंड एना एंड एनजी ने भी उसका ट्रस्ट किया। एंड एना एंड एनजी सोचने लगे कि वो क्या करे, क्या करे। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग एट एंड लॉरेंस को बुलाएंगे। एट एंड लॉरेंस बहुत ही उम्दा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। उन दोनों ने ऐसे बहुत सारे केस को सॉल्व किया है, तो उन लोगों ने डिसाइड किया है कि एड एंड लॉरेंस को वो लोग अपने घर पे बुलाएंगे। एंड एड एंड लॉरेंस जब उनके घर गए, तभी उन्हें फील हो चुका था कि ये एक 15 साल का बच्चा का आत्मा नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देन डॉल का एक्सोरसिज्म किया है, तब उन्हें पता चला कि ये एक 15 साल का बच्चे का आत्मा नहीं है, ये एक बहुत बड़े आदमी का आत्मा है। डोना के शरीर को कब्जा करना चाहता था एंड उसने झूठ बोला कि वो एक बच्चे का आत्मा है। एंड एडन लॉरेंस ने बोला कि ये बहुत ही खतरनाक एक आत्मा है, अगर डोना उसके साथ वो रहती है तो कुछ ना कुछ तो हादसा होता ही रहेगा। फिर डोना एंड एनजी बहुत डर गए, एंड एडन लॉरेंस ने बोला कि वो इस डॉल को लेके जाना चाहते हैं, एंड वो अपने म्यूजियम में जाके ये डॉल को बंद करके रख देंगे। उनका जो एक म्यूजियम है, एकल्ट म्यूजियम, उसमें इस डॉल को लेके गए एंड उसे कैद करके डॉल को कैद करके उन्होंने रख दिया। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके म्यूजियम में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी भी वो उनके उस म्यूजियम में हर लोग वहाँ पे जाते हैं वो डॉल को देखने। एंड या सो गाइस, आज की कहानी यही तक है। एंड मुझे तो एक कहानी बोलते बोलते बहुत ही डर लगा, इसलिए मैंने लाइट भी ऑन कर दिया है। एंड लाइट ऑन करके मैंने आधा कहानी बोला, क्योंकि अभी बज रहे रात के 2 बज रहे हैं एंड अभी मैं शूट कर रही हूँ, अभी मैं आपको हॉरर कहानी सुना रही हूँ। तो आपको मेरा ये कहानी कैसा लगा, एंड अगर आप और भी हॉरर कहानी सुनना चाहते हो तो कमेंट करो एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो। एंड अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। और गाइस, आप क्या उस डॉल को देखना चाहते हो, एंड आपको क्या लगता है कि ये कहानी ट्रू कहानी है? अगर आपको वो डॉल, अगर रियल लाइफ में आपको ये डॉल मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो या मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।